अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद आयाद रजा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उर्दू इनपेश सिखाऊंगा और ये उर्दू इनपेश मेरी दूसरी क्लास है जिसमें आप लोगों को उर्दू टाइपिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उर्दू इनपेश को ओपन कर देते हैं। दोस्तों मेरी पहली वीडियो जिन लोगों ने उर्दू इनपेश नहीं देखी है सबसे पहले लोग उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद मेरी ये वीडियो देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उर्दू इनपेश के बारे में पूरा और किस तरह हम उर्दू टाइपिंग वगैरह करते हैं इसके बारे में मैंने आप उसमें बताया है। ओके, उर्दू इनपेश को हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, देन न्यू पेज हम यहाँ से ले लेंगे एक, उसके बाद सिंपल ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उर्दू टाइप करने के लिए हमारा जो कीबोर्ड है वो फोनेटिक होना चाहिए। तो फोनेटिक कीबोर्ड हम कहाँ से करते हैं, एडिट के ऑप्शन में जाना है हमें, देन प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। इसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड है और कीबोर्ड हमें लेना है फोनेटिक। ठीक है, सिंपल इसको ओके करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें टाइपिंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं अभी सुनहरी बातें पढ़ रहा था, ठीक है, कुछ अच्छी बातें पढ़ रहा था, वही मैं आपसे आज शेयर करता हूँ, टाइप करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे अच्छी लगी इस वजह से मैं वो टाइप भी कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों टाइपिंग सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये खुश रहने का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, ये मैं टाइप करूंगा। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था इसी वजह से बस मैं टाइप करूंगा इसको सिंपल। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा हम उर्दू किस तरह टाइप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है खुश रहने का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं। अब मैं अगर चाहूँ या मैं यहाँ से इसको न्यू मैंने सिलेक्शन करी, ठीक है, और फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर दिया यहाँ से, ठीक है, 36। अब मुझे लिखना है खुश, तो के शिफ्ट के साथ मैंने के दबाया है, उसके बाद डब्लू। ठीक है, उसके बाद मुझे लिखना है शीन, शीन के लिए सिंपल एक्स। ठीक है, खुश, अब मुझे लिखना है खुश रहने का फॉर्मूला। ठीक है, पूरा जुमला, आर से रे, ठीक है, ओ से हे, और एन से नून, और वाई से ये, खुश रहने। अब मुझे का लिखना है, के से काफ, और ए से अलीफ। उसके बाद फार्मूला, ठीक है, एफ फे अलीफ ए, ठीक है, आर पे रे, ठीक है, और फिर मीम पे, एम पे मीम, और डब्ल्यू पे वाओ। ठीक है, उसके बाद मुझे लिखना है ला, ठीक है, अब एल से लाम। अब मुझे क्या करना है, अलीफ इसी के साथ लिखना है, तो मैं सिंपल ए को टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो खुश रहने का फॉर्मूला आ चुका है। अब मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद इंटर। ठीक है, इंटर के बाद मुझे अब जो भी काम करना है वो साइड से करना है, तो मैं साइड पे ले आया, राइट साइड पे। ठीक है, अब चूंकि मैं पॉइंट्स में काम करूंगा तो मैं सिंबल्स के ऑप्शन में जाऊंगा ऊपर, और यहाँ से मैं स्टार ले लेता हूँ। ठीक है, और फॉन्ट के साइज को भी मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, थोड़ा 24 ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर मैं चाहूँ टेप देना तो टेप भी दे सकता हूँ। अब मैं सेंटेंस शुरू करता हूँ खुश रहने का फॉर्मूला। ठीक है, शिकवे शिकायत कम कीजिए, के ये जे यू वाई कीजिए, कम कीजिए, और अल्लाह। अब अल्लाह लिखना है मुझे, अलीफ ए से आइए, ठीक है, डबल एल, ठीक है, उसके बाद ओ, अल्लाह, शिकवे शिकायत कम कीजिए, और अल्लाह की उन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ अलिफ के ऊपर पेश लगाऊं तो शिव दबा के मैं पी उन, शिकवे शिकायत कम कीजिए, और अल्लाह की उन नेमतों। नेमतों, अब मुझे देखना है कि मस्जिद आगे क्या लिखा हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से, शिकवे शिकायत कम कीजिए, और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास हैं। ठीक है, शिकवे शिकायत कम कीजिए, और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास हैं।
है या है, ठीक है, एंटर, ठीक है। तो सिंपल उर्दू है ये टाइपिंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टाइपिंग आ गई होगी, ठीक है। मैं मज़ीद इसमें भी लिखता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगेन मुझे चाहिए स्टार, तो मैंने स्टार लिया, ठीक है। सेकंड लाइन हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश करें, नतज के बारे में फिक्रमंद ना हो, ठीक है। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, ठीक है। अपने अलीफ, पी से पे, एन से नून और वाई से ये, अपने अपने बारे में, बी से बे और ए से अलीफ और आर से रे और वाई से ये, अपने बारे में कम सोचें, के से काफ और एम से मीम, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, उर्दू टाइपिंग के लिए आपके कीबोर्ड पे कैपलॉक्स बटन जो मौजूद है ये ऑफ होना चाहिए, ठीक है, तो फिर जब भी हम टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कीबोर्ड पे बटन्स हैं, ठीक है, ये टू टाइम्स यूज़ होंगे, ठीक है। फर्स्ट जैसे हमें कुछ टाइप करना है, जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, मुझे हे लिखना है, तो मैं एच से लिख सकता हूँ हे, ये देखें दो चश्मे वाला है आया, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक को हलवे वाला है लिखना है, तो मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा एच, ठीक है। तो इसी तरह हर बटन दो बार यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा, कीबोर्ड पे कैप लॉक बटन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अपने बारे में कम सोचें, अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, पूरा जुमला ये था मसाइल अपने। अच्छा, कुछ भी टाइप करने के बाद एक जुमले के बाद आपको स्पेस देना है, ठीक है। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, ठीक है। उसके बाद देश, देश किससे आया है, ग्रेटर देन से कीबोर्ड पे जो है, ठीक है। मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश कीजिए। पूरी, अच्छा ये वाला जो ये है ये आई से आता है, ठीक है। पूरी कोशिश कीजिए, काफ ये जे यू वाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें, अब करें था मैंने कीजिए लिख दिया, एक ही बात है वैसे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, करें। उसके बाद नतीजे के बारे में फिक्रमंद ना हो, नतीज के बारे में फिकर मंद ना हो, इंटर, ओके। अब यहाँ पे जो हम बार बार सिंबल ले रहे हैं, ठीक है, स्टार, इसकी शॉर्टकट कीज अगर हम याद कर लें, ऑल्टर सेवन, ठीक है, ऑल्टर सेवन, ठीक है। उसके बाद स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज जो है बड़ा हो चुका है, इसको मैं कम करता हूँ, यहाँ से 24 करता हूँ, ठीक है। आप तीसरा सेंटेंस हमारे क्या है, सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। तो शिफ्ट दबा के एस, तो स्वाद आ जाएगा, फिर आर से रे और फिर फे एफ से, सिर्फ इतनी जिम्मे, अब मुझे जिम्मे लिखना है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबा के जेड, फिर एम, फिर उसके बाद ओ, ठीक है। ओ से क्या है, जिम्मेदारियां कबूल करें, सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। सकते हो, ठीक है। उसके बाद देश, अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, अपनी सबसे ज्यादा काम लेने से गरेज करें, ठीक है। सारा काम तो उसके बाद हमने डैश, ठीक है, देन इंटर और शॉर्टकट कीज क्या थी सिंबल लेने की, ऑल्टर सेवन, ठीक है। उसके बाद टैब दबाते हैं हम, स्पेस दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अपने लिए भी वक्त निकालें, अल्लाह ताला से बातें करें, ठीक है। अपने लिए भी वक्त निकालें, ठीक है। सुदेश अल्लाह, अब मुझे अल्लाह लिखना है, तो अल्लाह के लिए मैं क्या करता हूँ, अलीफ ए से, ठीक है, डबल एल, उसके बाद ओ, अल्लाह ताला,
अब शिव दबा के आई, सॉरी मैं आपको दिखा दूं, हाँ सबसे पहले एल ठीक है, शिव दबा के आई उसके बाद आई, ये गलत हो रहा है। हाँ सबसे पहले एल उसके बाद आई उसके बाद शिव दबा के आई अल्लाह ताला, ठीक है अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। उसके बाद इंटर ऑल्टर साइमन, ठीक है टैब, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने। अब मैंने ये रखने टाइप किया, रखने के लिए आर से रे, के से काफ, एच से हे और एन से नून और वाई से ये रखने। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, काफ ये जीम हमजा ये कीजिए, ठीक है आपको भी खुशी मिलेगी, ठीक है आपको भी खुशी मिलेगी, ठीक है। ऑल्टर सेवन, दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इसलाह की कोशिश करते रहें, दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और नज़र मत रखें और अपनी इसलाह की कोशिश करते रहें और अपनी इसलाह की कोशिश करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों हमने उर्दू टाइपिंग कर ली पूरी, ठीक है। जब टाइपिंग हो जाती है उसके बाद आपने जितने भी काम किया उसको आप एक बार पढ़ लें ताकि जो भी मिस्टेक वगैरह है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और उसमें आप करेक्शन वगैरह कर सकें, ठीक है। तो खुश रहने का फॉर्मूला, ठीक है, पहला हमने लिखा था, उसके बाद शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास हैं, ठीक है। इसको मैं हैंग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें, नतीजे के बारे में फिक्रमंद ना हो, सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो, अपने शख्सियत काम में से रिवेज करें, अपने लिए भी वक्त निकालें, अल्लाह ताला से बातें करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी, दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इसलाह की कोशिश करते रहें, ठीक है। दोस्तों ये मुझे एक अच्छी बात लगी थी, ठीक है, जो मैंने आपको से शेयर करी और इसी को मैंने टाइप करके आपको दिखाया, ठीक है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर देंगे तो ये यहाँ से जस्टिफाई कर दें तो ये यूँ हो जाएगा, ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को उर्दू टाइपिंग करना सिखाई है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं उर्दू इंग्लिश की मज़ीद वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जिसमें मैं आप लोगों को टूल्स भी सिखाऊँगा और ऊपर के ऑप्शन वगैरह भी सिखाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।